वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम दालचा और बघारा खाना बनाएंगे। ये 1.25 किलो से ज़्यादा गोश्त है, मटन है। 1 चम्मच लाल मिर्ची, 2.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 अदरक लहसुन सालन का 1 चम्मच कितना, 2 टमाटे छिलका उतरे हुए, 4 चमचे तेल, 1, 2, 3, 4, 1/2 गिलास पानी। ये बड़ी आधी डल्ली प्याज है। कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देंगे, क्योंकि गोश्त थोड़ा लेट ज्यादा देर में गलता तो 7 या 8 सीटी बजाएंगे कुकर की। साथ में दूसरे कुकर में दाल गला लेंगे। ये 1.25 किलो दाल है। पानी थोड़ा ज्यादा भी रहा तो चलता और दाल घोटने में लग आ जाता। दाल को भी चढ़ा के 4 सीटी बजाएंगे इसमें। हमारे खाने के लिए ये 4 चमचे ये तेल है, 4 चमचे ये चमचे से 4 चमचे। 1 किलो चावल है। ये आधी डल्ली प्याज है, बड़ी डल्ली से आधी डल्ली प्याज है। 1 सालन का चमचा अदरक लहसुन। ये दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची 4, छोटे 5-6, काली मिर्ची और 4 लौंग। कोथमीर, पुदीना, 3 हरी मिर्चियाँ। और ये 4 चमचे नमक। पानी, प्याज हो गई बात, अदरक लहसुन प्याज हो गई, ये मसाला डाल दिए। अब 1 किलो चावल में ये गिलास ऐसे गिलास से, यानी इतने गिलास से 4 गिलास पानी, ये 3 गिलास। सीटी हो गई बात, पानी सुखाना। ये कद्दू डालेंगे इसमें। ये 1 कद्दू है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है 1 कद्दू। अब ये पानी में गल जाएगा कद्दू, तो इसमें दाल और इमली डालेंगे। दाल को कुकर से निकाल के घोट के ऐसा करें, ये ऐसी घोटेगी अच्छी। ये कचरा निकाल देंगे इसमें चावलों का। प्याज नहीं निकालना, दालचीनी, इलायची, लौंग वगैरह निकाल देना, जो खाना खाते वक्त मुंह में आते हैं। ये 4-5 घंटे धुले हुए चावल है। अब ये थोड़ी देर में दम हो जाता। तो ये कद्दू गल गए, अब इसमें वो डालेंगे, इमली, दाल वगैरह डालेंगे। ये इमली है, चुन के पीसी हुई है, धो के चुन के पीसी हुई है, इसमें कुछ कचरा नहीं है, कुछ नहीं है। 100 ग्राम या ज़रा 100 ग्राम से ऊपर। और ये कड़ी पत्ता है, और ये कोथमीर है, और 3 हरी मिर्चियाँ हैं। अगर तेज़ खाने वाले ज़्यादा डाल ले सकते, 3 हरी मिर्चियाँ हैं।
अब इसमें गोश्त डालेंगे। इसमें ये गोश्त डाल देंगे, गोश्त डाल के इसमें पतला होने तक पानी वानी डालेंगे। इसमें इमली डाल दिए, कड़ी पत्ता, हरा मसाला सब डाल दिए। ये ऐसा होए तक, ये अब मिर्चियों का रंग बदली होए तक पकाना इसको, चूल्हे पे रखेंगे। ऐसा होए तक पानी डालना, ऐसा गाढ़ा होए तक, या और भी पतला भी रख सकते, कोई कोई लोग पतला भी रखते इसको। और ये चावल ऐसे हो गए, थोड़े कच्चे हैं, अब तवा रख के दम देंगे इसको। ये देखो तवा रखे तो बराबर हो जाते, ज़रा ज़रा कच्चा है तो थोड़ा पानी छिनक ले। आधी प्याली अभी ये खत्म हो गया, ये पक गया तो इधर मिर्ची का रंग बदल गया तो खलास, थोड़ी देर धीमे पे रख दिए तो खलास होगा। ये बघारा खाना तैयार हो गया और ये दालचा भी तैयार हो गया।